देश में वंदे भारत एक्सप्रेस चलने के बाद अब वंदे मेट्रो ट्रेन चलाने की तैयारी है। वंदे मेट्रो ट्रेन चलाने का उद्देश्य है 100 से 250 किलोमीटर की दूरी के प्रमुख शहरों को तेज गति से जोड़ना, ताकि यात्री अपने गंतव्य पर जल्दी पहुंच सकें। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि रेलवे से जुड़ी नई तरह की जानकारी आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। वंदे मेट्रो ट्रेन MEMU ट्रेनों को ही अपडेट करके बनाया जा रहा है, जिसमें कई सुविधाएं से लैस किया जाएगा। सबसे पहले तो इस ट्रेन के गेट ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। इस ट्रेन की स्पीड एक्सेलरेशन ज्यादा होगी और अधिकतम स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर तक होगी। इसे यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, जिसमें कवच, एंटी कोलिजन सिस्टम, CCTV कैमरास, इमरजेंसी टॉकबैक यूनिट्स, फायर डिटेक्शन सिस्टम्स और मॉड्यूलर बायो वैक्यूम टॉयलेट्स भी होंगे। पंजाब में कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री ने वंदे मेट्रो की पहली प्रोटोटाइप बेसिक यूनिट के कोच तैयार भी कर लिए हैं। ये देखिए एक झलक। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार इसी महीने जुलाई में वंदे मेट्रो ट्रेनों का परीक्षण भी किया सकता है। वंदे मेट्रो क्षेत्र के लिए फिलहाल निर्धारित मार्ग हैं लखनऊ से कानपुर, तिरुपति से चेन्नई, आगरा से मथुरा, दिल्ली से रेवाड़ी, भुवनेश्वर से बालासोर। तो कैसी लगी आपको यह जानकारी, हमसे कमेंट में जरूर साझा कीजिएगा। रेलवे की अन्य और जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।